पिछले दिन रिलायंस में जबरदस्त पिटाई होते हुए नजर आया। रिलायंस के शेयर में एक जबरदस्त एक्सीडेंट देखने को मिला है और रिलायंस का शेयर करीब 8% गिर गया। तो रिलायंस की यह हालत देख के दिमाग में यही क्वेश्चन आती है कि अब क्या होगा रिलायंस का और रिलायंस का शेयर कितना गिरेगा। तो इस चीज़ का एनालिसिस हम लोग करेंगे और कारण भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों गिरा रिलायंस का इतना शेयर और कितना और गिर सकता है। तो इस चीज़ का एनालिसिस हम लोग दो तरीके से करेंगे, एक तो चार्ट के ऊपर भी देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग ओपन इंटरेस्ट डेटा, ऑप्शन चेन डेटा को भी देखेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या रुझान मिल रहा है रिलायंस के ऊपर। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि इतना क्यों गिरा रिलायंस का। तो इसके पीछे रिलायंस का जो शेयर गिरा, इसके पीछे एक न्यूज आई थी कि जो भी रिफाइनरीज हैं, रिफाइनरी कंपनी है जैसे कि ONGC, रिलायंस, इनके ऊपर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाने जा रही है, जिसके कारण से जितने भी रिफाइनरी वाले शेयर हैं उसमें ज़बरदस्त हमें पिटाई देखने को मिली है, उसमें से रिलायंस भी एक है। पहले तो एक था कि सेज वाला जितने भी कंपनी है उस पर कन्फ्यूजन था, उस पर लगेगा या नहीं लगेगा, तो बाद में गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि उन सब शेयर के ऊपर भी लगेगा। तो एक रिकवरी हमें देखने को मिली रिलायंस के ऊपर, फिर दोबारा उस पर पिटाई देखने को मिली। अब क्या हुआ है, टैक्स गवर्नमेंट ने करीब 6 रुपया पर लीटर पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा दिया है, प्लस एविएशन फ्यूल की बात करेंगे तो 13 रुपया पर लीटर ये एक्सपोर्ट पे, ये आपका एक्सपोर्ट ऑफ डीजल पे आपका टैक्स बढ़ गया है। तो इससे क्या होने होता वो हुआ, रिलायंस पे जो रशियन जो सस्ता तेल आने वाला था उसकी वजह से गेन होने वाला था, वो सारा का सारा गेन इधर से चला गया। तो इस कारण से ही, इस नेगेटिव न्यूज के कारण ही रिलायंस के शेयर में ज़बरदस्त पिटाई हम लोग देखने को मिला। थोड़ी सी खुला पॉजिटिव बट उसके बाद तो इसमें ज़बरदस्त पिटाई हुई और काफ़ी नीचे क्लोज भी हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं कि रिलायंस पे आखिर क्या हुआ, जो एक दिन का जो 8% फॉल हुआ उसके बाद क्या हो रहा है और कहाँ तक गिर सकता है। तो इसके लिए अगर हम लोग रिलायंस का अगर डे चार्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि रिलायंस एक बड़ा सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करता हुआ नज़र आ रहा है, जो 2400 का है। आप देखेंगे एक बड़ा सा इनगल्फ रेड कैंडल बना है जो बता रहा है कि यहाँ से एक ब्रेक डाउन तो आ चुका है और यह ब्रेक डाउन आपका यहाँ से हुआ है। तो ज़बरदस्त नेगेटिव इस पर दिखाई पड़ रहा है और साथ ही साथ वॉल्यूम भी ज़बरदस्त हमें देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि इस पर वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम भी ज़बरदस्त मिला है और यह चार्ट पे एक ब्रेक डाउन होते हुए नज़र आ रहा है। थोड़ा वीकली चार्ट को अगर देखेंगे तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि कहाँ तक ये जा सकता है। तो ये जो फॉल दिखाई पड़ रहा है, अगर ये 2400 को सस्टेन नहीं करता है तो यह फॉल हमें 2000 तक के लेवल तक ले जा सकता है रिलायंस को भी। फिलहाल जिस हिसाब से ये ब्रेक डाउन, जितना इम्पोर्टेंट ब्रेक डाउन ये देखने को हमें मिला है, तो पिछले 4 हफ्ता में देखेंगे तो ज़बरदस्त नेगेटिव रहा है, लोअर लो बनाते हुए नज़र आया है वीकली चार्ट पे जो नेगेटिव है। और यह जो फॉल है आपका, जो टारगेट निकल के आ रहा है चार्ट के ऊपर, वो 2000 तक दिखाई पड़ रहा है कि रिलायंस 2000 तक जा सकता है। अभी हम लोग, ये तो हमारे चार्ट का एनालिसिस था, अब हम लोग अपने डेटा के ऊपर चलेंगे। और देखिए, अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए और पूरा देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि डेटा क्या कह रहा है, रिलायंस आखिर कहाँ तक जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग डेटा की तरफ चलते हैं। अगर हम लोग ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर देखेंगे तो 2500 के स्ट्राइक पे ज़बरदस्त कॉल आई थिंक हमें देखने को मिली और जिसके कारण ज़बरदस्त हमें फॉल देखने को मिला है। अगला सपोर्ट जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो 2300 के लेवल पे दिखाई पड़ रहा है और ये जो 2400 का लेवल है ये एक तरह से पिवट स्ट्राइक इस पे बना हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है कि इसके ऊपर जब तक है तब तक एक शॉर्ट कवरिंग अभी हमें इस पे देखने को मिल सकता है। लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग आपका
फिर से शॉर्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है रिलायंस को, क्योंकि ये कमज़ोर है। तो चलिए इसके ऑप्शन चेन डेटा के ट्रेन साइकिल को देखते हैं और वहाँ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो अगर आप इन सब स्ट्राइक को देखेंगे, रिलायंस के इन सब स्ट्राइक को, तो आपको देखिए ज़बरदस्त कॉल राइटिंग यहाँ पे हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आप देखेंगे कि ये इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, इन द मनी कॉल्स को राइट किया गया है बहुत जगह पे। इन द मनी 2000 तक के कॉल्स को राइट किया गया है, मतलब कोई तो स्मार्ट मनी इधर है जो यह जान रहा है कि रिलायंस शायद 2000 के लेवल को भी ब्रेक कर जाए, इस वजह से क्या किया है 2000 तक के स्ट्राइक पे भी राइटिंग हुई है, इतना डीप इन द मनी कॉल राइटिंग हुई है। तो जस्ट कॉल राइटिंग ही नहीं, आप देखेंगे तो ज़बरदस्त पुट में अनवाइंडिंग देखने को मिला और पुट बाइंग होते हुए नज़र आया है, मतलब रिलायंस के पुट में ज़बरदस्त बाइंग हुई है और इसके इसके कॉल पे राइटिंग हुई है। और यह जो बाइंग चल रही है ये 2000 तक के लेवल पे तक चल रही है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि रिलायंस 2000 तक जा सकता है इस एक्सपायरी तक और मे भी अगले एक्सपायरी में। तो ये थोड़ा समय लेगा और 2000 तक के लेवल इस पे देखने को हमें मिल सकते हैं, जिस पे आपको नज़र रखनी है। जब तक ये 2400 के लेवल के ऊपर है तब तक एक शॉर्ट कवरिंग के सहारा मिलेगा और 2500 तक के लेवल हम देख सकते हैं, लेकिन अगेन वह लेवल जो हाई पे जाएगा हमें शॉर्ट करते हुए नज़र आएंगे, शॉर्ट मिलेगा रिलायंस के ऊपर, क्योंकि ज़बरदस्त ब्रेकडाउन हुआ है आपके डेटा के ऊपर भी और चार्ट के ऊपर भी। और अगर हम लोग फ्यूचर के डेटा को देखें तो क्या चल रहा है, ट्रेन साइकिल को अगर देखेंगे, फ्यूचर के ट्रेन साइकिल को आप देखेंगे तो शुरू में लॉन्ग हुआ, उसके बाद ज़बरदस्त इस पर शॉर्ट होता हुआ नज़र आया। बीच में एक कन्फ्यूजन था कि शायद यह जो न्यूज फ्लो हुआ है ये रिलायंस के ऊपर नहीं है, फिर बाद में जब गवर्नमेंट की तरफ से क्लेरिफिकेशन आया कि नहीं इसमें रिलायंस भी आ जाएगा, उसके बाद दोबारा इस पर शॉर्ट हमें देखने को मिला है। तो जिस तरह से डेटा पॉइंट बन रहा है आपके रिलायंस के ऊपर, रिलायंस पे 2000 का लेवल हमें देखते हुए देख सकते हैं, तो इसके ऊपर आपको बहुत सावधान रहना है। थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग होगी, थोड़ा ऊपर खींचेगा, लेकिन ये ऊपर फिर से शॉर्ट किया जाएगा क्योंकि इस पर वीकनेस है और काफ़ी ज़बरदस्त ब्रेकडाउन आया है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है रिलायंस के ऊपर। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा।